तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्या कहा गया है आपके पास, ये रिएक्शन दी गई है और कहा गया है कि इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं केपी और केसी, दे आर द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और ये रिलेशन होता है जैसा हम लोग जानते हैं। तो हमें यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एन जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी होता है, मतलब जो गैसियस प्रोडक्ट और माइनस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो गैसियस प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे एक मोल इसका हो गया, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और एक मोल इसका हो गया, ठीक है, HCl का, दोनों ही गैसियस फेज में है। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट हो गया आपका 1+1 माइनस जो रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट के हम गैसियस जितने भी आपके पास स्पेसीज है, तो गैसियस यहाँ पे है ही नहीं, जो भी आपके पास है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो हमें नहीं लेना होता। इसका मतलब तो देयर इज नो गैसियस रिएक्टेंट, तो उसका कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज 2। भी रहेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ये रिएक्शन दे रखा है, हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सब गैसियस फेज में है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये तो दिया ही गया है रिएक्शन, और आपको साथ में दिया गया है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। अब ये देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा जी के बारे में सोचते हैं, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, इन दोनों में रिलेशन होता है, तो ये हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। खैर अभी यहाँ देखते हैं कि हम इन ऑप्शंस में कैसे पिकअप करते हैं, ऑप्शन अपना जो सुटेबल आंसर कैसे पिक करते हैं। तो हमें ये रिलेशन याद आना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, दैट इज रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माइनस टाइम्स आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ln k होता है। ln का मतलब होता है, ln आप सिंपल समझिए कि ये लॉग होता है विथ बेस e, इसे ln कहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉग लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है, आपको बेस देने की जरूरत नहीं होती है, log 10 होता है। तो ध्यान दीजिए ये बेस दोनों अलग अलग है ना, तो ln का मतलब होता है log विथ बेस e होता है। खैर तो आपके पास ये दे रखा है कि डेल्टा g क्या है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ प्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो माइनस आर कैपिटल टी ln k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें पता है कि माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होने वाला है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो आर टी ln क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, एंड दैट बिकम लेस देन जीरो, माइनस साइन से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। अब R भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में है, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं। इसका मतलब ln K जो हो गया आपका, ये लेस देन 0 अपॉन R इनटू D 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 कुड बी रिटेन एज ए ln 1, ठीक है, ये log विथ बेस क्या है 1 हो गया, ठीक, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे हमेशा जीरो होती है, तो हमने जीरो को उल्टा रिप्लेस कर दिया, किससे, लॉग विथ लॉग वन से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि अगर हम दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनक्वालिटी वही रहेगी या रिवर्स हो जाएगी, इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, बस डिपेंड ये करेगा कि लॉग का जो बेस है ना, वो एक से कम है या एक से ज्यादा है। सपोज यहाँ पे बेस एक से कम होता, मान लीजिए 0.1 ले लिया हमने, और हमने कह दिया कि ये ए है और ये बी है और ये ग्रेटर देन है, तो लॉग हटाते ही ए लेस देन बी हो जाएगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन ये तभी रिवर्स होगी जब बेस
एक से कम होगा और जीरो से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो फ्रैक्शनल बेस के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अगर बेस आपका एक से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। मतलब आगे चल के आप कैलकुलस में पढ़ोगे, है ना, जो मैथ के स्टूडेंट है, बायो के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे नहीं, कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब अगर बेस एक से ज्यादा है तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि दोनों तरफ जो बेस है वो ई है और ई की वैल्यू दो और तीन के बीच में होती है, ठीक है। अब ई की वैल्यू मतलब बेस जो है दो और तीन के बीच में, तो ऑफकोर्स क्या हो गया आपका, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। इसका मतलब के लेस देन क्या हो गया, वन हो गया। तो आप आंसर पिकअप कर लोगे, आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहला दे रखा है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है, और अगर सिस्टम ओपन है तो जाहिर सी बात है जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एस्केप कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए या प्रोसेस का रिवर्सिबल होने के लिए सिस्टम का क्लोज होना क्या होता है, नेसेसरी होता है। इसका मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, लेकिन आपको तो इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, हमने ये बताया था कि जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया तो जो भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, सपोज आपके पास ए है रिएक्टेंट में, बी है जो प्रोडक्ट बना रहा है कोई सी, और डी प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है, चाहे ए का कंसंट्रेशन हो, चाहे आपका बी का कंसंट्रेशन हो, या फिर सी का जो प्रोडक्ट बना उसका कंसंट्रेशन हो और डी का कंसंट्रेशन हो, ये सारा का सारा कंसंट्रेशन सेम होगा। अब वो कोई भी कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं एट द इक्विलिब्रियम, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो फिर फर्दर चेंज नहीं होती हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो आ जाइए थर्ड ऑप्शन पे, ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट द इक्विलिब्रियम, गलत है, क्योंकि जो आपके पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इसमें लगातार फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है, मतलब कि जो ए और बी है ये सी और डी को फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली सी और डी वापस बैक बनाते हैं ए और बी को। इसका मतलब रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही होती है, लेकिन नेचर डायनेमिक होता है, स्टेटिक नहीं होता है, है ना। तो हमेशा रिएक्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और आपका यही सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना था। तो थर्ड ऑप्शन इज, चलिए फोर्थ को भी एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि द अपोजिट प्रोसेस, है ना, अपोजिंग लिखा हुआ है, खैर अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, तो ये एज ए स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, है ना। अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट होता और रिवर्स जो रेट होता वो दोनों अनइक्वल होते, इसका मतलब अभी अचीव करना बाकी है रिएक्शन को इक्विलिब्रियम, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हम, है ना, चूज कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या कहा गया है, ये रिएक्शन दी गई है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, सारे गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे ही गैसियस हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Kc की, तो Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मींस एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका क्या है PCl3 और Cl2 है, दैट मींस एक्टिव मास ऑफ PCl3, दैट मींस मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया जाएगा एक्टिव मास के लिए, और Cl2 का भी मोलर कंसंट्रेशन, वो एक्टिव मास हो गया, और इनके कोफिशियंट 1:1 है, तो कोई भी पावर एक्स्ट्रा नहीं आने वाली है। इसका मतलब नीचे इधर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का एक्टिव मास PCl5, दैट मींस मोलर कंसंट्रेशन, जो एक्टिव मास यहाँ पे काम करेगा वो
मोलर कंसंट्रेशन होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपको वैल्यू प्लेस करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ से क्वेश्चन करना चाहें तो हमें चार ऑप्शंस में पिकअप करने की कोई जरूरत, सीधे हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, इसका इसका जो यूनिट होगा मोल पर लीटर होगा, इसका भी मोल पर लीटर होगा, इसका भी मोल पर लीटर होगा। तो अगर यूनिट के हिसाब से देखिए तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे भी मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आना है, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये चार ऑप्शन में दूसरा और चौथा यूनिटलेस है, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। रही बात तीसरे की, वो लीटर पर मोल है, वो भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर एक ही बचा, कौन सा, फर्स्ट। तो हमें आगे ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑब्जेक्टिव तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये यूनिट से ही क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्यों सही है, वो देखिए डेटा भी उसका आ जाएगा। तो अगर PCl3 का कंसंट्रेशन हम प्लेस करें, कितना है आपका PCl3 का कंसंट्रेशन, 1.2 × 10⁻³ × 1.2 × 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 0.8 × 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ कैंसिल हो गया, ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे एक 10 आपको पे करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाइए, बदले में ये पॉइंट हटा दीजिए, एक डिजिट का ये भी है और एक डिजिट का ये भी है, तो ले दे के कितना आ गया, आप कैंसिल करिए यहाँ पे, तो 4 से कैंसिल करें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 हो गया, अब 2 6 जा 12 हो गया और 6 3 जा 18 अपॉन 10 डेसिमल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1.8 × 10⁻³ एक माइनस 3 बचा हुआ है, और साथ में जो यूनिट बची हुई है वो क्या है, मोल पर लीटर, लीटर की पावर माइनस 1। इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है।